नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। न्यूज बुलेटिन में इस बुलेटिन में बात करेंगे गोंडा की, जहां भूमि विवाद में छोटे भाई ने बड़े भाई को उतारा मौत के घाट। साथ ही बात होगी प्रयागराज की, जहां पश्चिमी विधायक सिद्धार्थ नाथ सिंह ने किया मतदान। और भी तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। खबर जनपद गोंडा से है, जहाँ दो सगे भाई रामदुलारी व राजेंद्र प्रसाद के आपसी विवाद में लाठी डंडे व भाले से मारपीट हो गई, जिसमें रामदुलारी पत्नी दुखना देवी, पुत्री अंशिका, पुत्र राम किशन के सिर में काफी चोटें आईं। रामदुलारी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नवाबगंज ले जाया जाएगा, जहां पर डॉक्टर ने हालत गंभीर देखते हुए तत्काल लखनऊ रेफर कर दिया। इलाज के दौरान घायल रामदुलारी की मौत हो गई। अब बड़ी बात यह है कि दबंग इतने शातिर हैं कि पुलिस भी मात खा जा रही है। मौत होने के बाद भी मामूली धारा यानी कि मारपीट की धाराओं में स्थानीय थाना नवाबगंज की पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। बल्कि मृतक के पुत्र रामकिशन, पत्नी दुखना देवी थाने व मुख्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। सर, मेरा नाम रामकिशन है, पुत्र राम दुलारे पासवान, ग्राम कनकपुर, थाना नवाबगंज, जिला गोंडा। आज आप एसपी ऑफिस आए? जी सर। एप्लीकेशन देने? जी। क्यों आए हैं, क्या है पूरा मामला? जी सर, हमारे पिताजी को मार दिया गया है इसी संबंध में। हमारे सगे चाचा राजेंद्र और पटीदार तिलक राम मिलके, ग्राम प्रधान बिपिन सिंह मिलके मरवा दिए हैं, और हम कहीं कर रहे हैं सुनवाई नहीं हो रही। किससे मारा गया? जी, लाठी भाला से अचानक हम लोग के सारे परिवार के लोग से हमला हुआ। यह घटना कहाँ हुई? सर, ये घटना कनकपुर हमारे घर से हुई है। दरवाजे पे? जी, दरवाजे पे। घटना कब हुई थी? दुर्घटना सुबह 6 बजे हुई है। आप लोग थे वहाँ मौके पर? जी, मौके पे मैं थे, मैं बचाव कर रहा था, मुझे भी सर में चोट आई है और पेट में भाला लगा, मैं भाग लिया। मेरे पिताजी को काफी तरह से घायल कर दिया, मौत से हत्या कर दी गई पूरी तरह। पिताजी तुरंत इस्पार कर गए थे कहीं इलाज के दौरान? नहीं सर, इलाज के दौरान ही थे, पेट में भाला लगा था। इलाज के लिए हम अयोध्या से एसपी गए, वहाँ से रेफर कर दिया गया, फिर लखनऊ के जी एन यू में गए, वहाँ से भी रेफर कर दिया गया, तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में हम लोग गए, तो वहाँ पे इलाज के दौरान आईसीयू में मौत हो गई। कितने दिन इलाज चला था सर? ये 16 तारीख को, दिनांक 16 तारीख को भर्ती कराए। इसी महीने में? जी सर। हाँ, मई में। और ये 19-20 को उनकी मौत हो गई। जनपद गोंडा से सी न्यूज संवाददाता इंद्रेश कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। कानपुर नगर के शहर में थाना ग्वालटोली क्षेत्र के अंतर्गत ऐराना में चचेरे भाई ने ईंट से कुचलकर भाई की निर्मम हत्या कर दी। हत्या की सूचना मिलते ही पूरे मोहल्ले में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि शुक्रवार रात लगभग 11:50 पर एक ही परिवार के दो चचेरे भाइयों में किसी बात को लेकर आपस में झगड़ा विवाद हो गया। देखते ही देखते ईंट और पत्थर चलने लगे, जिसमें नंदन वाल्मीकि के सर पर कई बार ईंट लगने से वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही थाना ग्वालटोली का फोर्स मौके पर पहुंचा और देखा कि नंदन वाल्मीकि घायल अवस्था में पड़ा हुआ था, जिसे प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल उड़जला भेजा गया। उपचार के दौरान नंदन वाल्मीकि की मृत्यु हो गई और परिवार में मातम छा गया। घटना के आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और साथ ही पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से घटना की जांच कर रही है। मौके पर फॉरेंसिक टीम और डीसीपी सेंट्रल आरएस गौतम और एसीपी कर्नलगंज महेश कुमार ने पहुंचकर घटना का जायजा लिया। डीसीपी सेंट्रल ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि घरेलू विवाद और नशेबाजी के चलते आपस में झगड़ा होने के पश्चात नंदन वाल्मीकि के सर पर धीरेंद्र वाल्मीकि ने ईंट से कई बार वार किया, जिसे नंदन घायल हो गया। उपचार हेतु नंदन वाल्मीकि की मृत्यु हो गई है। मौके पर थाने की फोर्स तैनात कर दी गई है, आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। निवासियों 12:45 ग्वालटोली पुरानी चौकी। क्या मामला हुआ अभी? 31 जनवरी को मेरे पिताजी रिटायर हुए थे, हमसे धीरेन गुरैनिया 1 लाख रुपया मांगना चाह रहे थे, मैंने नहीं दिया, तो कह रहा था हम तुम्हारे भाई को तुमको रहने नहीं देंगे, और तू लोग किसने ने मिलके मार दिया और धीरेन गुरैनिया ने मरवाया है। कौन कौन उसमें शामिल थे? किसना है, धीरेन है, गोलू है और अतुल है, और यहाँ पे मारा गया। जी सर, खून पड़ा। कितनी देर पहले मामला आया? 1 घंटा पहले हुआ सर। तो क्या पूरा सके यही लोग थे? हाँ, यही है पूरा। मैं गवाही स्वयं देखने आया हूँ, मैं जब आया हूँ तो उसको मार रहे थे यहाँ पे, मैं बीच बचाव कर आया तो गाड़ी में हमको पटक दिया, हमारी गाड़ी भी खड़ी है यहीं पे। हमारी क्या मांग है? हमारी
उस आदमी को धीरेन गुरैया को सजा मिलनी चाहिए। नाम क्या है और क्या घटना हुई, क्या आपके साथ हुआ, आपके बच्चों के साथ क्या हुआ? हमारे घर में बच्चे लेटे थे, लेटते हुए किसी कोई लड़का ने फान के आ गया उन्हीं के घर का, उसी के जरिए से मेरे बच्चे भी उठा के ले गए सर। अच्छा, आपका नाम क्या, आपके पति का नाम क्या, जो बच्चे? मेरा नाम नीलम भारती, संदीप भारती। अच्छा, आपके बेटे क्या नाम, उसको पुलिस ले गई? आर्यन। क्या उम्र है? उम्र 23 साल। 23 साल। क्या करता है आपका बेटा? ऑनलाइन बिजनेस करता है। ऑनलाइन बिजनेस। आपके पति क्या करते हैं? समंदा में नौकरी करते हैं। पुलिस स्टेशन ग्वालटोली अंतर्गत अहिराना मोहल्ले में लंदन वाल्मीकि और जो है धीरेन्द्र वाल्मीकि के बीच में घरेलू विवाद और शराब पी करके आपस में जो है झगड़ा हुआ, और इसके बाद जो है लंदन वाल्मीकि के सिर पर ईंट से वार किया गया। उपचार हेतु उनके परिजन अस्पताल ले गए, जहां पर लंदन वाल्मीकि की डेथ हो गई है। उसमें सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से देखा जा रहा है कि एक ही व्यक्ति घटना कारित करने में रहा है, विवाद में रहा है, या अन्य व्यक्ति रहे हैं, और साथ ही साथ फोरेंसिक टीम के द्वारा साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। शीघ्र ही जो है सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके और जो भी जो है अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी। भैया, आज ग्वालटोली थाना क्षेत्र के अंदर एक मर्डर की सूचना आई है, क्या जानकारी है? देखिए, थाना ग्वालटोली मोहल्ला अहिराना है, यहाँ पर एक ही समाज और एक ही परिवार के दो चचेरे भाई नशे में झगड़ा कर रहे थे, जिसमें पुलिस को तत्काल सूचना मिली। पुलिस मौके पर आई और यहाँ जिसमें एक उनका एक व्यक्ति जो इसका नाम लंदन था वो घायल अवस्था में पड़ा था, पुलिस ने तत्काल उसको लेकर गई हॉस्पिटल उड़सला, जहाँ उसको एडमिट कराया, जहाँ दौराने इलाज उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने जो मेन एक्यूज था वीरेंद्र उसके अरेस्टिंग कर ली है, और जैसा यहाँ जानकारी मिली है कि दोनों ही चचेरे भाई हैं और एक ही परिवार के हैं, और नशे में इन्होंने झगड़ा किया जिसमें ये घटना हुई। कानपुर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता भरत की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से, जहां यूपी की 14 लोकसभा सीटों पर आज छठे चरण का मतदान हो रहा है, जिसके तहत सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछलीशहर व भदोही सीट पर सुबह से ही मतदान हो रहा है, जिसकी झलक प्रयागराज में भी देखने को मिली, जहाँ इलाहाबाद से भाजपा शहर पश्चिमी विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह ने सिविल लाइन स्थित ज्वाला देवी इंटर कॉलेज में मतदान किया है। साथ ही जनता से अपील भी की है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करें और 100% मतदान के लक्ष्य को साकार करें। देखिए, ये एक लोकतंत्र का महापर्व है और इस लोकतंत्र के महापर्व में सभी को अपना मत डालना चाहिए, और मैं इतने ही आज के दिन यही कहूंगा, जहां जहां मत पड़ने हैं हर जगह बड़ी संख्या में लोग निकलें, जल्दी निकलें, अपने यार दोस्त को भी निकालें और मत डालें। और क्योंकि आज वोटिंग है इसलिए मैं ज़्यादा अपील नहीं करूंगा, मगर ये जरूर कहूंगा कि देश उस करवट पे आके खड़ा है जहां से इसकी लंबाई और ऊंचाई का अब अंदाज़ा कोई भी नहीं लगा सकता, भारत जहां जा सकता है। और भारत को एक ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जो अपने में खुद निर्णायक हो, शक्तिशाली हो, जिससे कि भारत भी आने वाले समय में शक्तिशाली बने और भारत भी 2047 तक ही विकसित बने। मैं इतना ही कहूंगा, हम तो पांचवें में आ चुके थे, अब तो सरकार में हमें कोई दिक्कत नहीं दिखती है, और जो 400 का नारा है या भारतीय जनता पार्टी का 370, उसकी तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता डीके मिश्रा की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से है, जहां यूपी की 14 लोकसभा सीटों पर आज छठे चरण का मतदान हो रहा है। बता दें, जिसके तहत सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछलीशहर व भदोही सीट पर सुबह से ही मतदान हो रहा है, जिसकी झलक प्रयागराज में भी देखने को मिल रही है, जहां इलाहाबाद से भाजपा प्रत्याशी नीरज त्रिपाठी ने सिविल लाइन स्थित गर्ल्स इंटर कॉलेज में मतदान किया है, और साथ ही जनता से अपील भी की है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करें और 100% मतदान के लक्ष्य को साकार करें।
उत्सुकता की तो कोई सीमा ही नहीं है। एक जोश है और जोश पति प्रत्याशी हैं वो तो है ही है, और नरेंद्र मोदी जी का है और अपने भारत का है कि उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, क्योंकि वही है जो एक महिला को उन्होंने शक्ति प्रदान करी है, आत्मविश्वास प्रदान किया है और पैरों पे खड़ा होना सिखाया है। तो हम महिलाएं बिल्कुल तैयार हैं। मतदान किया अभी, मैं बस वही करके आ ही रहा हूँ। क्या लगता है इस बार की? देखिए, जनता अपना मन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बना चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो राष्ट्र के लिए काम किया है उसकी जनता बहुत सराहना कर रही है, और जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भरपूर मतदान कर। अच्छा, विपक्ष को एक मुद्दा बना रहा है कि जब अगर बीजेपी की सरकार बन गई तो ये संविधान बदलेंगे, इसको लेकर क्या कहना है? ये सब बिल्कुल बकवास है। हम संविधान बदलने के लिए कतई नहीं 400 की बात कर रहे हैं, हम इस राष्ट्र के विकास की बात कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन जो है लगातार आप लोग के लिए बोल रहा है कि जनता बदलाव की तरफ है, मूड बना चुकी है, इससे क्या लगता है कि वाकई जनता इस बार बदलाव करेगी? हाँ, बदलाव एक करेगी, एनडी गठबंधन का सूखड़ा साफ करेगी। जो कुछ सीटें मिल जाती थी वो इस बार वो भी नहीं मिलेगी। अच्छा, 400 पार का जो नारा दिया जा रहा है, आप लोग 400 पार का नारा लेकर के चल रहे, क्या एक संख्या भी दिख रहा है 410 415 400 कुछ इस तरह का? देखिए, 400 पार है, और हमें जो है, जो मेरा अपना आकलन है, मेरे हिसाब से 417 के आसपास सीटें हमें मिलेगी। आखिरी सवाल, आपके लोकसभा क्षेत्र में मुकाबला आमने सामने है या त्रिकोणीय, कैसा देख रहे हैं? कोई मुकाबला ही नहीं, ना त्रिकोण ना आमने सामने है, कोई मुकाबला नहीं। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता डीके मिश्रा की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद रायबरेली से है, जहां मनरेगा मजदूर महिलाएं पहुंची विकास खंड परिसर। मनरेगा की मजदूर महिलाएं पहुंची विकास खंड परिसर और अपनी मांगों को लेकर कर रही हैं प्रदर्शन। महिला मजदूरों ने फर्जी हाजिरी चढ़ाए जाने का भी आरोप लगाते हुए मनरेगा महिला मजदूरों ने मेट व ग्राम प्रधान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला मजदूरों ने अपनी मांगों को लेकर खंड विकास अधिकारी संबोधित ज्ञापन सहायक पंचायत अधिकारी को सौंपा है। अपनी मांगों को लेकर इस भीषण धूप में पायदान विकास खंड पहुंची मनरेगा की मजदूर महिलाएं। पूरा मामला बछरावा विकास खंड के शेखपुर समोधा ग्राम सभा का बताया जा रहा है। क्या नाम है आपका? शांति देवी। अच्छा, क्या हुआ आपका, कहाँ रहती हैं? हाले गाँव मजरे शेखपुर समोधा। क्या समस्या, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? समस्या ये है कि हम लोग काम नहीं करते हैं, मजदूर आदमी हैं, क्या करके खाएं? गरीब लोग हैं और विधवा मेहरिया हैं, कहाँ कैके खाई? और जो काम करने जाते हैं नरेगा तो करने नहीं देती है, खेत देती है, कहती है कि जो है कि काम नहीं, जो जब आएगा काम तब तुमको मिलेगा, ऐसा काम नहीं मिलेगा। कौन खेत देता है? अनीता। कौन है अनीता? कौन है? रामपुर की। नहीं, क्या है वो? मेट। अच्छा, मेट है, मेट खेत देती है। अच्छा, फिर क्या है आगे, पूरी बताएं। और जो नाप के नरेगा देती है, खनती है, देखो इतनी तरफ इतनी गहरान देती है, 2 फुट गहरान देती है, तो हम लोग कहाँ खोद पाएंगे? कोई बूढ़ है, कोई जवान है, तो कहाँ खोद लेगा? और हम लोग काम करना चाहते हैं तो काम नहीं देती है, कहती है काम करो या भाग जाओ। किस तरह का काम चाहती हैं आप? हम किस तरह का काम नहीं चाहते, हम अमानी करना चाहते हैं। अमानी करना चाहते हैं। तो अभी आप लोग कहाँ जा रहे हैं? आप लोग जा रहे हैं हम बिला। अच्छा अच्छा, ठीक है, क्या कहना है आपको, क्या चाहती हैं? हम कहना चाहते हैं कि हम लोग करेंगे अमानी में और काम हमको मिलना चाहिए। कहती है कि 103 रुपया आएगा, करना है तो करो, नहीं नहीं करो, जाइए अपने अपने। क्या नाम है आपका? रामावती। कहाँ रहती हैं? हालेगांव। क्या है मामला पूरा? हम भैया काम चाहते हैं, लिया कहीं चाटो लड़का हाड़ी घोड़ा नाना ने खेती बाड़ी है, नहीं ना काम का भरोसा है ना को काम मिलता। कौन नहीं काम देता है? अरे भैया मेट लोग जो हैं, मेटा मैया नहीं हमको लोग यहाँ। कौन है मेट? मेट कौन? अनीता। अनीता आती हैं कभी वहाँ जहाँ काम? हाँ भैया आती आती है, लेकिन आती हैं लेकिन भैंसी चराती हैं। हम लोग को सही तरह 5 मिनट नहीं देती, जाती भैंसी चराबे जो जहाँ तक का जाए, जहाँ तक का जाए। देखी हम आपको कहा कही लिया, नेपाल सिगरेटरी जिनका मर्जी हो तहीं का बुला लो। कौन कहता है? मेड कहती है? मिटाइन कहती है। मिटाइन, अनीता नाम। अनीता जब पूछा बता, क्या नाम है आपका? सोनू। क्या है मामला? इसमें मामला यह है कि जो उनसे काम नहीं करता है, उसका काम मतलब हाजिरी चढ़ती है। लगभग कितनी हाजिरी चढ़ाई जाती है? इसमें चढ़ती है 10 करते हैं तो उसकी 12-13 चढ़ती है। आप कहाँ रहती हैं? रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता देवराज की रिपोर्ट।
खबर बिजनौर से है। यहाँ चांदपुर के चेहली गांव में एक हफ्ते पहले ईंट लगने से इलाज के दौरान मौत होने वाली बुजुर्ग की पत्नी एसपी से मिली। मारपीट करने वाले चार लोगों पर घटना में शामिल होने का आरोप लगाया है। पुलिस दो लोगों को जेल भेज चुकी है, बाकी दो लोगों को गिरफ्तार करने की मांग की है। पत्नी ने दो और आरोपियों को जेल भेजने की एसपी, डीआईजी, डीजीपी को शिकायती पत्र देकर गुहार लगाई है। मामला बिजनौर जिले के चांदपुर थाना क्षेत्र का है। पीड़िता का आरोप है कि 17 मई को लगभग शाम के 5:30 बजे पीड़िता और उसके पति घर पर अकेले थे। उनके घर के गेट के सामने आरोपित ने चारपाई डाल दी और रास्ता बंद कर दिया था, जिस पर पीड़िता ने चारपाई हटाने को कहा तो आरोपित उसके साथ गाली गलौज करने लगे और पीड़िता के घर के अंदर घुस गए। साथ ही गंदी गंदी गालियाँ देने लगे और पति को गाली देने से मना किया तो आरोपियों ने ईंट उठाकर उनके पति पर कई बार वार किया, जिससे पीड़ित के पति को गंभीर चोट आई और वो बेहोश हो गए। पीड़ित के पति को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। हालांकि पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और दो लोगों को जेल भेज दिया है। मेरा नाम फरमीना है, चैली के मैं रहने वाली हूँ और चार पाई में इन्होंने खाट गिर रखी थी। मैंने खाट को मना कर मेरा आदमी ने तो इन्होंने घर में बड़का आकर ईंट बजा दी उनके सीने में पेड़ों में। उन्हें पिसाब के रख खून आया। इशरत खां और इकरामुद्दीन एजाज खां और वो अंजार खां, इन्होंने चारों ने मारा मेरे आदमी को घर में बढ़कर। थाने भी गए हम, एस भी के यहाँ गए हुआ। हम इंसाफ चाहते हैं, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। और दो अंदर हैं और दो बाहर हैं, उन्हें गिरफ्तार कर रहे। बिजनौर से सीनियर संवाददाता सलीम की रिपोर्ट। महोबा के ग्राम सालट विकासखंड चरखारी जनपद में कुछ विगत महीनों से सालट ग्राम में ही स्थित दीक्षित मंदिर में भक्तों का तांता लग रहा है और डिजिटल युग को दरकिनार करते हुए लोग आस्था की तरफ खींचे चले जा रहे हैं। यहां आने वाले भक्तों का कहना है कि यहां आकर हम लोगों को तमाम बीमारियों से निजात मिल जाती है। यहां तक कि कुछ ने दावा किया कि कैंसर जैसे असाध्य रोग भी यहां ठीक हो रहे हैं। आइए दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। महाराज जी, आपका शुभ नाम? नंदराम कुशवाहा। नंदराम कुशवाहा जी, आप यहाँ कब से सेवा कर रहे हैं? 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। यहाँ लोगों की काफ़ी भीड़ सुनी जा रही है। अभी फिलहाल में काफ़ी लोग चले गए हैं, काफ़ी भक्तगण अभी मौजूद हैं। क्या क्या समस्याएं लेकर के आते हैं? जो तकलीफ है, जैसे समस्याएं पथरी है, कैंसर है, शुगर है, श्वास है, सब कंप्यूटर जी सही कराते हैं। आप दवा देते हैं? दवाई ये आयुर्वेदिक दवा है। आयुर्वेदिक दवा है कि और कोई दवा है? आयुर्वेदिक दवा है। कितने दिनों में आराम मिल जाता है आपकी दवा से? एक हफ्ते से। ये अभी आज जो आए हैं, काय काय के भक्तगण आए हैं, क्या क्या समस्या लेकर के? जी भैया जी, क्या नाम है आपका? मेरा छबलाल कुशवाहा। कहाँ से आगमन हुआ है? कुलवाहा। क्या समस्या थी सर आपकी? मेरे सांस की बीमारी थी और पथरी की शिकायत थी। तो क्या यहाँ आप पहली बार आए हैं कि दूसरी बार आए हैं? तीसरी बार। कितना आराम है और क्या सच्चाई है, कुछ प्रकाश डालेंगे इस बात जी? अब तो मुझे काफी आराम है और इसी के उसमें मैं लगातार जो है अभी आऊंगा। और क्या कहना चाहोगे इस स्थान की, जो आस्था है लोगों की, ठीक हो रहे हैं, आप भी एक सोम मरीज हैं, आपकी क्या राह जाती है? यहाँ पर सब जो है बजरंगबली बब्बा जी की कृपा है और आयुर्वेदिक दवाइयाँ देते हैं उसी से। आपको कितना आराम मिला है? मुझको करीब 75% आराम है। देखिए अभी इनसे हम मुलाकात किए हैं, अगले नेक्स्ट बंदे से मुलाकात करते हैं, क्या उनका नज़रिया जाता है। कुछ महिलाएं भी देखी जा रही हैं, एक बच्ची भी देखी जा रही है। क्या शिकायत लेकर के आई थी, मैं अभी जानने का प्रयास करूँगा। गुड़िया जी, क्या नाम है आपका? हैं, कहाँ से आगमन हुआ आपका? महोबा से। क्या आशा लेकर के आई थी और यहाँ क्यों आई थी? पथरी है। तो पहली बार आना हुआ है आपका? 4 बार। कितने परसेंट तक आराम मिला है आपको? आराम तो मिल गया है। आराम मिल गया है। क्या कहना चाहोगी इस स्थान को लेकर के, यानी आपका आस्था पर विश्वास है? विश्वास है और आप ठीक भी हो रही हैं। ये देखिए आज के दौर में, डिजिटल युग में, विज्ञान पर आस्था भारी पड़ रही है। ये जागरूक लड़की है, फिर भी इसने ये कहा कि मुझे ईश्वर पर आस्था है। दादाजी, क्या नाम है आपका? हमारा जी राम बाबू। कहाँ के रहने वाले हैं सर? लालपुर के। यहाँ सर कैसे आना हुआ आपका? मालिक के दर्शनों को आते हैं तो उनकी सेवा भी करते थे जी।
क्या कहना चाहोगे? यहाँ कुछ मरीजों की संख्या ज्यादा बढ़ रही है, संख्या बढ़ रही है बहुत ज्यादा, और उनको आराम मिल रहा है तब तो जनता आ रही है, नहीं तो उनको अगर ना वो हो तो क्या दवाएं देती हैं भगत जी? बस यही पट्टी की है, अपनी जड़ी बूटी यही भगवान के भरोसे देते हैं बस, उससे ठीक भी हो जाते हैं मरीज, ठीक भी हो रहे हैं। तो आज के दौर में, इस वैज्ञानिक दौर में, फिर भी जड़ी बूटियों पर आप विश्वास करते हुए ठीक हो रहे हैं? उन पर जड़ी बूटी मालिक का विश्वास है सबसे बड़ा जी, मालिक का विश्वास है, मालिक ठीक कर रहे हैं सब। यहाँ मूलभूत आने वालों के लिए क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं भैया? मूलभूत सबसे खराब ये इस रास्ते की समस्या है, इसका किस प्रकार से निवारण हो सकता है? अब हमने जीतेंद्र सेंगर वगैरह से कई लोगों से कहा भी है, मंडल अध्यक्ष कई लोगों से कहा, तो बस यही आश्वासन दिया कि हो जाएगी। वर्तमान में प्रधान कौन है इस गाँव के? सुखदेव अहिरवार। तो उनसे उनको आपने अवगत कराया कि प्रधान जी यहाँ भक्तों का तांता बढ़ रहा है, आपकी जिम्मेदारी बनती है? भगत कहो प्रधान से, क्या था प्रधान जी का कहना, क्या था भगत जी? करवा देंगे। तो कुछ नहीं हुआ अभी, क्या मांग है आपकी? इधर आइए, जो भक्तों को प्रॉब्लम होती है, समस्या है भक्त ना जो आ रहे, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए जी। रास्ता बन जाए, बरसात में दिक्कत पड़ती है बहुत ज्यादा। ये कब से चल रहा है आपका दवा देना? चार साल से। और 4 साल से यहाँ भक्तों के लिए काफी परेशानियाँ होती है, तो आप मांग रखते हैं कि यहाँ सड़क बननी चाहिए। नाम है आपका? कहाँ से आए हैं राम प्रसाद जी? मध्य प्रदेश जिला छतरपुर ग्राम पठा। बहुत दूरी से आ रहे हैं आप, क्या है आपकी शिकायत, तो क्यों आए हैं आप? हमारे पास वो भविष्य से बड़ा होता है जो भगंदर जी, वो था, डॉक्टर को बताया था, उसने मांगे थे 20,000 रुपए जी, और यहाँ आए थे पिछले शनिवार को जी, तो 90% आराम, 90% आराम है। इस विश्वास को लेकर के क्या कहना चाहोगे आप? ये दवा का कमाल है कि ईश्वरी कोई ताकत है, क्या है ये? अब तो भगवान की ही महिमा है, तो आप मरीज हैं, आपको आराम मिला है इस बात को? 90% कितनी दर्द की गोली के 1 मिनट नहीं रहता था, दो गोली खाने पड़ती। कितनी बार बुलाया गया है आप? अभी हमें कुछ नहीं बताया, हम तो पिछली शनिवार को आया था, बीच में मंगलवार को आया और आ जाए। महोबा से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र कुमार निराला की रिपोर्ट। खबर रामपुर से है, यहाँ बिजली घर मानपुर में बिजली विभाग के कर्मचारी मनमानी कर रहे हैं। स्वार तहसील के ग्राम गद्दी नंगली के लोगों ने बिजली कर्मचारियों पर मनमानी करने का आरोप लगाया है। कहा कि 10 दिनों से बिजली व्यवस्था ठप है, बताया गया है कि ट्रांसफार्मर फूक जाने पर ग्रामीणों ने बिजली घर मानपुर उत्तरी में सूचना दी और बिजली कर्मचारी गंदी नंगली पहुंचे और फूका हुआ ट्रांसफार्मर उतार कर उसकी जगह फिर से फूका हुआ ट्रांसफार्मर रख के, इस समस्या से परेशान ग्रामीण इकट्ठे होकर मानपुर उत्तरी बिजली घर पहुंचे और बिजली कर्मचारियों का गुस्सा करते हुए हमारे आधे गांव में लगभग 10 दिनों से बिजली नहीं आ रही है, छोटे छोटे मासूम बच्चों बुजुर्गों का गर्मी में बुरा हाल है, लगातार बिजली विभाग को सूचना देने पर भी गाँव में ट्रांसफार्मर की समस्या को हल नहीं कराया जा रहा है। वहीं बिजली का संचालन हो सके बिजली घर पर इकट्ठा हुए ग्रामीणों के नाम हैं इरफान खान, जमील, नाजीम, अली मोहम्मद, सानिफ, अनस, नावेद, शादाब, आसिफ, पैगंबर अली इत्यादि। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रईस जान है जी। कहाँ के रहने वाले हो? हुसैनगंज गद्दी नंगली। अच्छा, किस लिए आए हो यहाँ पर? इसलिए आए, हमारा 4-5 दिन से ट्रांसफार्मर फूका हुआ है और 5 दिन के बाद ये ट्रांसफार्मर रखने के लिए गए, 10 हॉर्स पावर का इन्होंने वो रखा ट्रांसफार्म और रख के 1 मिनट ट्रांसफार्म नहीं चला, वो फुकोवा ट्रांसफार्म रखा है, जिससे क्या फुकोवा ट्रांसफार्म रख के ये अपने बिजली घर चले आए। अब हम बिजली घर आए हैं तो अब हमें कोई नहीं मिल रहा है यहाँ। ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे आप? ये कह रहे हैं कि कल रख देंगे हम तुम्हारा ट्रांसफार्म। अच्छा, जो फुकोवा वाला ट्रांसफार्मर रखा है उतार लेंगे और दूसरा और रख देंगे, वो अभी वहीं पर रखा हुआ है? वो वहीं पर रखा हुआ है। अच्छा, तो हमारे मीडिया के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं आप? हम ये कहना चाहते हैं कि आप हमारी मतलब ये कुछ ना कुछ हमारी भी सहायता करें और हमारी तरफ से आप भी जो भी तो लाइट आपके यहाँ लाइट कब से नहीं आ रही? लाइट हमारे यहाँ 4-5 दिन से नहीं, 4-5 दिन से, लगभग पूरे गाँव की है समस्या। आधे मोहल्ला है? अच्छा, वो मोहल्ला है। 25 तो अब आप यहाँ, आपने यहाँ किसी से बात करी है अभी? अभी हमने बात करी थी, लैंडमैनों से बात हुई है, अभी जय साहब है नहीं, आईजीओ साहब आ रहे हैं, आईजीओ साहब से बात करने के हम सभी लोग इच्छुक हैं और एसडीओ साहब से हम बात करके ही जाएंगे। जय साहब से बात हुई आप? जय साहब से हमारी कोई बात नहीं हुई है। अच्छा, नहीं मेरी बात हुई है फोन। क्या कह रहे थे वो? आज बात कल को लगाऊंगा, कल कल रखी है 25 की।
कल लगाने का आश्वासन दे रहे हैं। इस टाइम जो वर्तमान में रखा हुआ कौन सा ट्रांसफार्मर रखा हुआ है? 10 का रखा है। आप कितना लगवाना चाहते हो लोड के साथ? 25 का आप लगवाना चाहते हो? रामपुर से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद तालिब रजा की रिपोर्ट। फिलहाल यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।